नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा। गाँव से नमाज न पढ़ी जाने की खबर लगातार बनी हुई है। आज इसी विषय पर लेकर हम राज्यसभा के पूर्व सदस्य मोहम्मद अदीब सर से बात करेंगे। तो सर, इस मामले देखिए, अभी हमने ये बात की कि हम लोगों को हमें हमारा राइट देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, लेकिन आज की इंतजामिया चंद ऐसे लोगों को जो बिल्कुल न्यूसेंस हैं और सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हैं, उनके प्रेशर में एक्शन नहीं ले रही है। और जो उनकी अपनी दी हुई जगह है, वहीं पर हम नमाज पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि हमें परमिशन दो कि हम जमीन अलॉट करो, हम अपनी मस्जिद बनाएंगे, अपने पैसों से बनाएंगे। आज 20 साल में 42 से ज्यादा मंदिरों को जमीन अलॉट हुई, ए डजन चर्च हैज बीन गिवन लैंड, गुरुद्वारों को लैंड दी गई, एक इंच जमीन मुसलमानों को नहीं दी गई। जबकि टाउनशिप प्लानिंग में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रिलीजियस प्लेसेस दी जाए, पार्क की जगह दी जाए, रिक्रिएशन की जगह दी जाए, सबकी जगह दी गई और 4.5 लाख मुसलमान है वहाँ, उसको जगह नहीं दी गई। जो छोटी छोटी मंजिलें हैं उसको बड़ा करने की जब कोशिश की तो उस पर इश्ते लगा दिया। तो दिस इज अ वेरी सैड कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। आपने देखा, हमारे सिख भाई भी हमारे साथ हैं, क्रिश्चियन भाई भी हमारे साथ हैं और हिंदू भाई भी बड़े तादाद में, लेकिन एक चंद लोग हैं और ये सिर्फ पॉलिटिकली इलेक्शन जीतना चाहते हैं यूपी का। तो अभी 2 महीने बाकी हैं उस यूपी इलेक्शन को जीतने के लिए, इनके पास अब कुछ है नहीं, तो इनके पास सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम ही मामला। ये चाहते हैं कि किसी सूरत से दंगा फसाद हो जाए जिससे कि वो एडवांटेज उठाए और उसी एडवांटेज का फायदा उठा के जैसे उन्होंने आसाम और त्रिपुरा में जीता है, ये काम है। तो बंद कोई जगह तो मांग तो रहा हूँ, दे दीजिए। कौन खुले में पढ़ना चाहता है? आपको मालूम है कितनी गर्मी पड़ती है, वहाँ बैठना पड़ता है, कंकर पत्थर है वहाँ पढ़ना पड़ता है, ठंडक में पढ़ना पड़ता है। कब किसने कहा? उस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ था वो यही हुआ था। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले इन्होंने एक अलॉटमेंट किस अखबार में दिया, 20 लाख रुपए हम लोगों ने जमा किए और हमको वापस कर दी गई और जैन मंदिर को दे दी गई। फिर कहाँ जाए? आसमान में पढ़ने जाए? खुले का मतलब क्या? खुले में आप कीर्तन करेंगे? आपने कहा कि 12 में आप कर दिए क्योंकि वो मार्केट हो गया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसी जगह पर उसी दिन वहां आपने पूजा करवाई और पूजा कम हुई, लेकिन वहां नारे लगे और नारे ऐसे ऐसे लगे। एक नारा जो इनका सबसे खास नारा है कि भाई गोली मारो, वो जोरों से बजे। ये कौन सा मुल्क है? ये इस मुल्क में आप कहें दर्द कर सकते हैं? इस मुल्क के रूह को निकाल दिया है मोदी सरकार ने और हम अब मजबूर हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। मैंने उनको सबको फैक्ट फिगर भेज दिए और रिक्वेस्ट की है उनसे कि आपको ये बात पार्लियामेंट में उठानी चाहिए, और अगर आप पार्लियामेंट में नहीं उठाते हैं तो फिर हम समझ जाएंगे, फिर हमको फैसला करना पड़ेगा कि मुसलमानों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। रोज हिंदुस्तान की रूह को मारा जाता है। हमने गांधी को एक बार नहीं मारा है, हम गांधी को रोज मारते हैं, उसके रूह को रोज तकलीफ पहुंचाते हैं। ये कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हिंदुस्तान में। आप देख रहे हैं।